अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब की बेल के हवाले से आर्ग्यूमेंट्स और बहस जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली एनआईए कोर्ट में चल रहा था। और आपको बता दें कि आज 28 अगस्त है और बेल के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब का जो बेल आर्ग्यूमेंट है वो ऑलमोस्ट उनके वकील के मुताबिक कंप्लीट किया है उन्होंने और बहस भी हुई है। एनआईए के जो वहां पे वकला हैं और एनआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद साहब की बेल के हवाले से भी वहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किए हैं जज साहब के सामने। और एडिशनल सेशन जज जो हैं पटियाला हाउस कोर्ट जो एनआईए कोर्ट दिल्ली है वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर बहस हुई। और आपको बता दें कि फिलहाल हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि 4 सितंबर बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, 4 सितंबर तक इंजीनियर रशीद साहब की बेल को फिलहाल ऑर्डर को रिजर्व करके रखा गया है और 4 सितंबर को बेल के लिए ऑर्डर जो है वो आ सकता है कि क्या बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट जो एनआईए कोर्ट दिल्ली है वहां से इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब की बेल के हवाले से बहस चल रही थी, जो उनके वकील हैं उन्होंने बहस की जज साहब के सामने और अरविंद केजरीवाल का उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनको रेफरेंस दिया और रेफरेंस में कहा गया कि जैसे अरविंद केजरीवाल को बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस के लिए कैंपेन करने के हवाले से रिहा कर दिया गया था, इसी तरह से इंजीनियर रशीद साहब को भी आप रिहा करें ताकि वो कैंपेन करें अपने कैंडिडेट्स के लिए और अपने कैंडिडेट्स जो भी उनके जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं उनके लिए इजाजत दी जाए इंजीनियर रशीद साहब को कैंपेन करने के हवाले से। लेकिन फिलहाल जो जज साहब का ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिया गया है 4 सितंबर तक। 4 सितंबर तक फिलहाल ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया और 4 सितंबर को 4 सितंबर दिस ऑर्डर विल कम कि वेदर इंजीनियर रशीद विल बी ग्रांटेड बेल और नॉट। दिस ऑर्डर विल बी गिवन बाय एडिशनल सेशन जज जो है पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली के एनआईए कोर्ट है वहां पे, वो 4 सितंबर को ऑर्डर दे सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि खबर यही है कि आज सुबह से ही बहस रही है बेल के हवाले से, जो इंजीनियर रशीद साहब के वकील हैं उन्होंने बहस की कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल दी जाए ताकि वो कैंपेनिंग कर सके। वो एक इलेक्टेड एमपी है, उनको लोगों ने वोट डाला है, चुन के गए हैं वो पार्लियामेंट। और लेकिन जज साहब ने तमाम आर्ग्यूमेंट्स को सुना, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुना, एनआईए के आर्ग्यूमेंट्स को भी सुना गया। फिलहाल ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया है 4 सितंबर तक। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि क्या 4 सितंबर को बेल दी जाएगी इंजीनियर रशीद साहब की या नहीं, ये 4 सितंबर को देखा जाएगा। और 4 सितंबर को यह ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है बाज़ाब्ता तौर पर हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।